राहुल गांधी कुछ नहीं, वो तो खाली फोकस बाजी है। राहुल गांधी कुछ आता है उनको, वो खाली सबको बेवकूफ बनाना है उनको। उनको तो कुछ आता नहीं, जो आता तो एक वोट भी उन्हें मिलने के राजी नहीं होता। के पूरे खानदान को कुछ नहीं आता, वो खाली फोकस बाजी है, फोकस बाजी है उनका, कुछ नहीं ना उनका राज आएगा। अब खाली योगी सरकार सबको ला रहा है, बस योगी सरकार हमारे सबसे बढ़िया है। सारे देश के फंसे हुए मजदूरों को उठा उठा के ला रहे। केजरीवाल सबसे चोर है, उसमें पता नहीं कौन सा दवाई खिलाता है कि पूरा लैटरिन नहीं आता है। बेवकूफ बनाना है केजरीवाल जी को। प्रधान मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भी ना बनेंगे। अब की अभी योगी बाबा जाएंगे दिल्ली में, कहते हैं अमित शाह बेकार हैं, मोदी बेकार हैं, ये है वो। अमित शाह मोदी सबसे बढ़िया है। राहुल गांधी कुछ नहीं, वो तो खाली फोकस बाजी है। राहुल गांधी कुछ आता है उनको, वो खाली सबको बेवकूफ बनाना है उनको। उनको तो कुछ आता नहीं, जो आता तो एक वोट भी उन्हें मिलने के राजी नहीं होता। कुछ आते नहीं तो मिलेगा क्या? प्रियंका गांधी चिट्ठी लिख रही है योगी जी को कि इनके लिए बस चलाओ। उनके पूरे खानदान को कुछ नहीं आता, वो खाली फोकस बाजी है, फोकस बाजी है उनका, कुछ नहीं ना उनका राज आएगा। अब दिल्ली से आएगा तो राज मोदी का, योगी का। दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, पूरे केंद्र में योगी, मोदी योगी दोनों जन ही रहेंगे। किसानों के लिए भरपाई कर रहे हैं सब कुछ, किसान भी खुश रहे हैं। अच्छा, आप तो गांव के हो, गांव में कुछ सुविधा पहुंची? आप खुद सुविधा हमारे घर पे, हमारे पिताजी पाए हैं, 2000 रुपए मिले हैं, राशन भी दे रहे हैं। 500 रुपया हमारी घरवाली पाई है। अच्छा, और पाई गई 500 रुपया, 1000 रुपया हमारे घरवाली मिल गई। गांव में कौन से जिले में? गांव सिद्धार्थ नगर। अच्छा, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर सोहरतगढ़ थाना लगता है, तहसील भी सोहरतगढ़ है। तो गांव में आप कह रहे हैं सारी सुविधा मिली है योगी सरकार की तरफ? हाँ जी, योगी सरकार की तरफ से सुविधा बहुत बढ़िया है। योगी जी बाबा जी हमारे बहुत बढ़िया है। ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री यूपी का हो तो बहुत बढ़िया। दिल्ली में योगी जी जिस दिन घुस जाएंगे ना, वो दिल्ली के मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग जो है ये गांव अपने उम्मीद इसी से जा रहे हैं कि वहां इनको रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी, जो कि दिल्ली में इनको ये सुविधा नहीं मिली, नहीं तो ये दिल्ली छोड़कर कभी नहीं जाते, ऐसा इन लोगों का कहना है। हल्का लॉकडाउन खुला, फिर किराया मांगना, बिजली बिल मांगना, ये है वो है, देना है, नहीं दोगे तो घर छोड़ दो, जाओ अपने घर पे। दिल्ली में तो बिजली भी फ्री है? कुछ भी नहीं फ्री है, दिल्ली सबसे चोर हो गया। खाली योगी सरकार सबको ला रहा है, बस योगी सरकार हमारे सबसे बढ़िया है। सारे देश के फंसे हुए मजदूरों को उठा उठा के ला रहे। केजरीवाल सबसे चोर है, बोला राशन, वो खाली पब्लिक को बेवकूफ बनाना, चावल खिला रहा है, चावल आधा कच्चा है, आधा वैसा नमक, उसमें पता नहीं कौन सा दवाई खिलाता है कि पूरा लैटरिन नहीं आता है। और क्या थालिया लेके इसी तरह हम लोग उठे, अमीरों को दे रहा पूरा, वो पैसे डाल रहा 5000 रुपया, 6000 रुपया, विकलांगों को। हम लोग को नहीं होना चाहिए क्या? हमारा हक नहीं है? 2 महीना हम तो बैठे थे रूम पे, भाड़ा दी, फिर कुछ नहीं, हम सबको कुछ नहीं, 5 किलो आटा भी नहीं मिला, और सबको दे रहे हैं, जिसके पास है उनके लिए सारा है सामान, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कॉलोनी है दिल्ली में, उन्हीं के आदमी बांट खा रहे हैं क्या? योगी के आदमी, और कोई नहीं बांट रहा। बोला है राशन मिलेगा किनको? विधायक जो अपने यहाँ नसीब है उनको मिलेगा। हम लोग के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें कोई सुविधा नहीं। हम लोग का तो यूपी के है, कहाँ यहाँ बने जाएगा? मिल रहा उत्तर प्रदेश में, हमारे घर पे मिला। 500 रुपया मिला, राशन भी मिला, सब कुछ मिल रहा हमारे घर पे। कहाँ के रहने वाले हम? सिद्धार्थ नगर के रहने वाले। हमारे योगी जी बाबा जी बहुत बढ़िया काम करते, सारे मजदूर को फंसे हुए अपने देश में ला रहे हैं, सबको बहुत बढ़िया काम किए। बिहार के नीतीश कुमार के यहाँ भेज रहे हैं अच्छी तरीके से, हमारे योगी बाबा बहुत बढ़िया है। दिल्ली से आप चल के आए तो बस भेजी क्या डीटीसी? डीटी कुछ भी नहीं दिल्ली से, दिल्ली वाले, दिल्ली पुलिस तो और मार रही है पूरे डंडे डंडे उड़ा उड़ा के, जाने नहीं दे रही है। पैदल आए? पैदल, 100 नंबर वाला पकड़ के हम लोग को बंद कर दिया था। अरे तुम लोग को जाना नहीं है वहाँ? अच्छा, कुछ नहीं, मैं कहा जाऊंगा, मरूंगा तो अपने यूपी में मरूंगा, दिल्ली में नहीं मरेंगे हम। हम यहाँ से आपको बस मिल रही है? बस मिल रही है, बहुत बढ़िया। हमारे बाबा पहुंचा देंगे हमारे घर पे, बहुत बढ़िया है। बाबा हमारे घर पे भी आते रहते हैं हम सबके यहाँ। अच्छा, तो ये फ्री है बस जा रही है आपको? आप बता रहे हैं बाबा फ्री जाएगा बस? 200 बस लगाए हैं कान का। खाना मिला यहाँ आपको? खाना सब कुछ मिला, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। यहाँ यूपी में, यूपी में जैसे घुसे यूपी के आदमी सब बहुत सेवा सत्कार बहुत कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली दिल्ली में केजरीवाल सबको चढ़ा रहे हैं, बस केजरीवाल उन्हीं को दे रहे हैं, जो उनके खास बंदे हैं उन्हीं के सेवा कर रहे हैं, बाकी किसी नहीं कर रहे हैं। लेबर माने जीरो केजरीवाल को, उतना लड़ाई करवाए केजरीवाल, सारे लड़ाई करवाए सब कुछ, जब से लड़ाई करवाए उसके बाद लॉकडाउन हो गया।
सब केजरीवाल की वजह से होता है और कुछ नहीं। मुझे लग रहा है ये केजरीवाल की चाल तो नहीं कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ कोरोना फैल जाए, लोग इस तरह से दिल्ली छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग छोड़ के नहीं जाएगा, यही खाए कमाए यही रहे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? कंपनी में काम करो, पैसे देगा नहीं मालिक, मालिक कहेंगे कि काम करते रहो, पैसे है ही नहीं है, लॉकडाउन है, ये है वो है, पैसे तो हम कहाँ किराया भरेंगे, अपने हमारे बच्चे कहाँ पलेंगे? इन्हें बड़े बड़े आदमियों के लिए है पैसे, हमारे लिए कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में खाली बेवकूफ बनाना है केजरीवाल जी को। प्रधान मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भी ना बनेंगे अब की। अभी योगी बाबा जाएंगे दिल्ली में, जो बाहर के गए कमाने उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो दिल्ली के निवासी उनको तो 8 किलो राशन दे रहे हैं 5 किलो की जगह, मगर जो मजदूर वहाँ पे गए कमाने के लिए उनके लिए क्या किए हैं ये केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल? आप अपने जीवन लगा रहे हैं वहाँ पे, हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने खुद पैसे, 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, अभी तक हम अपना पैसे बैठ के खा रहे थे, 1 रुपया किसी ने मालिक ने दिया नहीं है, इसीलिए मजबूरन जो हमारा पैसा घर गांव से हम यूपी से मंगा के अपना पैसा खाए है। उसके बाद जब नहीं पैसे हुआ है तब हम अपना रूम छोड़े हैं वहाँ से। कहते हैं अमित शाह बेकार हैं, मोदी बेकार हैं, ये है वो, अमित शाह मोदी सबसे बढ़िया है। नहीं, कल जो है वो राहुल ने गांधी मजदूरों के बीच बैठ के फोटो खिंचा रहा था। राहुल गांधी कुछ नहीं, वो तो खाली फोकसबाजी है, राहुल गांधी कुछ आता है उनको, वो खाली सबको बेवकूफ बनाना है उनको। ये साहिबाबाद का एक स्कूल है जो साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास की ये सड़क है, ये रेलवे स्टेशन आप सामने देख रहे हैं, साहिबाबाद रेलवे स्टेशन, और यहाँ से ये इकट्ठे हुए हैं मजदूर जो दिल्ली से विस्थापित होकर के आए हैं और इस स्कूल के अंदर रखे गए हैं। अंदर का सीन हम आपको दिखाएंगे, अंदर किस तरह से ये विस्थापित, यहाँ ये देखिए दिल्ली से आए हुए विस्थापित हैं ये, और ये सब मजदूर जितने आप पीछे तक देखेंगे ये हम खड़े हैं इस समय साहिबाबाद क्षेत्र में। यहाँ आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस खड़ी है और ये बस जो है ये यहाँ से लेकर जाएगी प्रवासी मजदूरों को, और इस बस के अंदर जो प्रवासी मजदूर हैं वो दिल्ली से आए हुए यहाँ बताए जाते हैं। हम उनसे बात करेंगे, अभी बात करने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए। चलो, क्या नाम आपका? मेरा नाम मशरकुल। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली, दिल्ली से आप यहाँ क्यों आए? दिल्ली में तो वो केजरीवाल खाना भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है। पैसे भी नहीं दे रहा, खाना पीना कुछ भी नहीं है हम लोगों का। 2 महीने से हम लोग 500 रुपया था हम लोगों के पास, 500,000 रुपया सब सारे पैसा खा चुका है। अभी काम काज कहीं भी नहीं है, दिल्ली में लॉकडाउन पड़ा हुआ है। लॉकडाउन में खाना नहीं मिला मतलब आपको? आप कहाँ जा रहे हैं यहाँ? हम जा रहे हैं बिहार। बिहार के रहने वाले जी? हम बंगाल के हैं, बिहार जा रहे हैं, बिहार से फिर बंगाल। हम पंजाब से आ रहे हैं सर। पंजाब से 5 दिन से पैदल चल रहे हैं, वहाँ खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था सर। सरकार कह रही है पंजाब की, तो हम तो सबको पैसा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। पंजाब में तो कोई चीज़ नहीं दे रहा सर, खाली एक बकवास कर रहा है, एक बंदा को खाली रोक के रख रहा है कि लॉकडाउन है, बिहारियों को खाली रोक रखा है। क्या नाम आपका? मेरा लालू कुमार नाम है सर। कहाँ जाओगे? गया जिला के रहने वाला हूँ सर। कहाँ जाओगे? गया जिला, बिहार। बिहार जाएंगे? तो यहाँ ये बस में जा रहे हैं, क्या किराया देना पड़ रहा है? नहीं सर, यहाँ तो फ्री के लिए जा रहे हैं सर। नहीं, नहीं, योगी सरकार की तरफ से बस फ्री है, आपको पता है? हाँ, मेरे बोले थे मैं पैदल जा रहे थे सर, तो बुला के लाए, बोले कि हाँ खाने के लिए मिला, खाने के लिए अभी खाना खाया सर, खाना खा के गाड़ी पे बैठाया सर। मेरा नाम सुदाम है सर। कहाँ से आए हो? हम लोग सर दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में खाना नहीं मिला? नहीं सर, मिलता है सर, लेकिन सही टाइम पे खाना नहीं मिलता है सर। अच्छा, इसीलिए जा रहे हो? इसीलिए गाँव जा रहे हैं सर। कहाँ है गाँव? बिहार। तो ये देख सकते हैं अभी बस रवाना हुई है यहाँ से, उत्तर प्रदेश का प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर है, और यहाँ इनको भोजन खिलाकर, ये वो प्रवासी हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग एरिया से क्षेत्र से यहाँ आए हुए हैं। और अब ये दूसरी बस आप देखेंगे, ये प्राइवेट बसों का भी इंतज़ाम सरकार की तरफ से किया गया है, क्योंकि रोडवेज की बसें प्रवासी की संख्या को देखते हुए रोडवेज की बसें काफ़ी कम पड़ेंगी, इसलिए जिला स्तर पर ये बसें लगाई गई हैं और इनको इनके घर तक छोड़ने के लिए ये प्राइवेट बसों को भी सरकार के प्रशासन के द्वारा ये हायर किया गया है। तो आप देखेंगे
पुलिस की व्यवस्था है, यहाँ पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको ये देखते हैं, ठीक से व्यवस्था बनाते हैं और उनको भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। आप देख सकते हैं पैकेट रखे हैं इनके पीछे, तो पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं इस व्यवस्था बनाने में। अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे।